नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। विशाल खबर के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जानी मानी हस्ती और माने हुए अधिवक्ता देवी प्रसाद पाठक हैं। देवी प्रसाद पाठक की अगर बात की जाए तो जितनी सीनियरिटी है और जितना अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि उस अनुभव को शायद कोई समझ पाएगा। मुझे लगता है ऐसा अनुभव, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे कृतित्व को समझने की जरूरत है, उनके अनुभव के लेने की जरूरत है। 87 वर्ष की उम्र में भी आज जिस तरह से वकालत करते हैं, जिस तरह से फिट है, और तो लगता है कि वास्तव में ऐसी बुलंदी, ऐसा जज्बा, ऐसा जोश और साहस होना चाहिए। चूंकि काफी पुराने हैं आप और बहुत बड़ा इतिहास है, आज हम उनसे आप सबको रूबरू कराएंगे, उनसे जानेंगे उनके बारे में। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि आपको जब कोई मुद्दा होता है और सच है कि झूठ है, ये क्या है ये तो वो जाने बेहतर, पर लोगों का कहना है और देखने के बाद व्यक्तिगत रूप से अनुभव होता है कि शायद सच के लिए फिर वो चाहे घर का व्यक्ति हो, चाहे परिवार का व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, वो लड़ जाते हैं और तब तक उससे लड़ते हैं जब तक सामने वाला परास्त न हो जाए और उसको सत्यता से उसका परिचय न हो जाए। ऐसा ही एक सत्यता से परिचय कराने वाला एक मामला है आपका, अपने घर का, अपने परिवार का। और जब घर परिवार के मामले में वो दखल देते हैं और उसको कोर्ट तक लाते हैं, कोर्ट के बाद परिवाद दायर होता है और परिवाद के बाद उसमें आरोपी बनते हैं उनके परिवार के ही लोग, उनके घर के ही लोग और नगर परिषद के लोग, राजस्व विभाग के लोग, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी आपकी रोचक कहानियां हैं। 87 वर्ष की उम्र में कैसे सारी चीजें कर पाते हैं बेहतर तरीके से, आपको प्यार से बहुत से लोग डॉन भी कहते हैं और हम आज उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे पूरी कहानी क्या है। चूंकि आप काफी सीनियर होने के कारण अस्वस्थ रहते हैं, कई बार अस्वस्थ होने के बाद, अभी बाईपास सर्जरी हुई है कुछ दिन पहले और बाईपास सर्जरी होने के बाद आप थोड़ा सा कम सुनते हैं, हालांकि मशीन लगाए रहते हैं और ज्यादा देर या कि ज्यादा आवाज में बात करना ठीक नहीं लगता उनके साथ, इसलिए हम आज उनसे बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे, लिखित में लेकर आए हैं और हम उनसे सीधा पूछेंगे। तो पहले तो आपका स्वागत है यहाँ और हम आपसे कुछ पूछेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप जवाब दें। मैंने 68 से वकालत शुरू की जी, और जाने माने वकील उस समय के अवध बिहारी लाल, पंडित अवध बिहारी लाल, उनके साथ करीब 3 वर्ष रहा जी। 3 वर्ष के बाद वो इलाहाबाद चले गए जी, फिर मैंने अपनी वकालत शुरू किया जी। 1978 में जी मैं पहली बार सरकारी अधिवक्ता हुआ जी, और करीब 2 साल काम करने के बाद जी फिर मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद यहाँ कलेक्टर परशुराम आए थे, तो परशुराम ने हमसे बोला कि उन्होंने कहा कि यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, जिले में गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, अराजकता है, आप यदि कोशिश करें और सहयोग करें तो हम आपका नाम भेज दें सरकारी वकील के, उसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट जज से बात हो चुकी है तो कुछ कानून व्यवस्था में यहाँ हो। मैंने उनसे ये कहा कि इतने में जो है मेरा गुजर नहीं चलेगा, पर आप कहते हैं तो मैं सहयोग करने को तैयार जी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से नाम किया, हमारा नाम चला गया, हमारा अपॉइंटमेंट हो गया। उस समय यहाँ जो है ज़्यादा गुंडागर्दी के, उसमें ये दिनू सिंह, मुन्ना सिंह, राम सिंह, ये ज़्यादा बढ़े चढ़े थे और अराजकता की स्थिति पैदा करते थे। लेकिन मेरे कारण न ये राम सिंह निकल पाते थे जेल से और न ये दिनू निकल पाते थे, और जब कभी ज़्यादा वो हो तो कुछ समय के लिए निकलें और फिर इसके बाद फिर चले जाएं जी। जहाँ तक कानून व्यवस्था की उसकी थी, मैंने सतना जिले को नंबर 1 में जो लॉ डिपार्टमेंट की लिस्ट थी जी, सजा के मामले में और जमानत खारिजी के मामले में सतना जिले को मैंने नंबर 1 में कर दिया था जी। लेकिन क्या हुआ,
कि सत्ता आ गई अर्जुन सिंह के हाथ जी, ज्यादा अपराधी ठाकुर जी, तो उनसे मेरी न पटी जी, वो हटाने का प्रयत्न करते थे बार बार जी, और फाइल जैसे कंप्लीट होती थी तो एक भाग्य की बात जी कि वो अर्जुन सिंह बदल के बोहरा आ जाते थे, तो दो तीन बार तो इस प्रकार चला कि बोहरा आए और हम बच गए जी, चलता रहा जी। लेकिन वो लड़ाई राजेंद्र सिंह से या उनसे अर्जुन सिंह से वो यथावत चली, वो हटाने के प्रयत्न करते थे, ईश्वर हमारी रक्षा करता था जी। तो हम बचते चले गए। आखिर में हमारे विरुद्ध आर्डर हो गया जी, तो हम गए तो हाई कोर्ट में रिट दायर किया, वकीलों की स्ट्राइक थी, तो खुद बहस किया। अब बहस करने के बाद एक हफ्ते के भीतर हमारी रिट डिसाइड हो गई जी, और हम फिर से अपने स्थान पर आ गए। लेकिन ये निश्चित कर लिया था कि अब इसके बाद ये कार्यकाल पूरा हो जाए, अब बात रह गई, अब मुझको इसमें रहना नहीं जी। फिर इसके बाद मैंने छोड़ उस रहा और इसके बाद मैंने छोड़ दिया। ये तो संक्षिप्त परिचय। जहाँ तक जी कानून व्यवस्था का प्रश्न था जी, जज भी सहयोग करते थे जी, और जज के सहयोग के कारण जी, सामंजस्य के कारण जो है कानून व्यवस्था गड़बड़ नहीं होने पाई बिल्कुल, और अपराधी पस्त हो गए जी। निश्चित तौर पे अपराधी तो पस्त हुए ही। कई बार ऐसी स्थितियां बनी कि पुलिस के भी आप पीछे पड़ते थे। कोई एक थानेदार थे, एक कहानी है, पुलिस को तो उसको उनके पीछे पड़े आप, तो फिर दुकान में काम करना पड़ा। ये क्या कहानी है? पुलिस को इतना टाइट करना पड़ता था जी, और देखना पड़ता था। एक केस मेरे सामने ऐसे आया जी, जिसमें डायरी से एक गवाह के बयान नदारद थे जी, और उससे लिंक टूट रही थी जी। एसपी पात्रो थे, मैंने उनसे बताया जी कि ये पोजीशन है, लिंक टूट रही है, मुलजिम छूट जाएगा जी, आपके यहाँ कार्बन कॉपी होगी। तो उन्होंने कहा सवेरे आपके पास पहुँच जाएगी जी। वो कार्बन कॉपी आई, हमने अतिरिक्त साक्ष का आवेदन दिया, अदालत ने मंजूर किया और बयान कराया जो मिस था गवाह का बयान, और फिर उसमें 7 साल की सजा हुई जी। तो ऐसा नहीं था। जब तैयारी हम पढ़ के जाएंगे तब न हमारी बुलंदी रहेगी। यदि हम ही पढ़ के नहीं जा रहे तो बुद्धू की तरह खड़े रहें। निश्चित तौर पे जी। वर्तमान में बिरसिंहपुर में थाना सभापुर पुलिस सहित नगर परिषद पटवारी और बेटों और अपने घर परिवार पर मुकदमा परिवाद, क्या कहानी है उसकी? परिवाद यूं करना पड़ा जी, मैंने हर लड़कों के जी पृथक पृथक प्लाट जी सबके हैं जी। जिसने ये बद्यंती किया जी उसका भी अलग है जी। ये राजू के नाम था जी, और उसमें क्या था कि आबादी थी, भूमि स्वामी स्वत्व नहीं मिल रहा था, तो उसके संबंध में हमने हाई कोर्ट में रिट दायर कराया था, अपील दायर कराया था, वो अब भी पेंडिंग है अनूप कुमार के नाम जी। अब क्या हुआ कि हमको हुआ पिछले साल हार्ट अटैक जी, हम पहले रीवो में भर्ती रहे, फिर इसके बाद हम जबलपुर हमको रिफर किया, हम वहाँ भर्ती रहे, वो वैक्यूम पाकर जी ये अंबिका प्रसाद सीएमू अनिल कुमार का लड़का बड़ा रोहित जी, और राम आश्रय उर्मलिया का लड़का नाती जी, ये सब मिल मिला के, और ये भ्रष्ट था ही सीएमू घूसखोर, तो उसको लाखों रुपए की घूस दे के और पटवारी से मिलके और कब्जा लिखाया होगा, जबकि कब्जा नहीं लिखा जाता। एक उसी से तारतम की फाइल
बिजली विभाग की थी जहाँ बिजली का कनेक्शन काटा गया, उसमें पटवारी के रिपोर्ट पर तहसीलदार ने लिख दिया कब्जा उसका। जब तहसीलदार के नॉलेज में डाला गया तो उसने रिव्यू करके तुरंत उस आदेश को निरस्त किया और ये लिखा कि पटवारी जो है नहीं कब्जा दर्ज नहीं कर सकता, वो सारी फाइलें हमारे पास हैं। तो ये जो कूट रचना हुई कूट रचना क्या फर्जी आदेश, और फर्जी आदेश भी नहीं उसकी फोटो कॉपी, फर्जी आदेश की फोटो कॉपी उसको शामिल करके हम हार्ट अटैक हमको हुआ, हम जबलपुर में भर्ती थे उसी दौरान वैक्यूम पाकर, और राजू भी जो लड़का था वो भी हमको देखने जाए वो दौड़ धूप में लगा रहता था, उसका फायदा उठा के इन्होंने ये किया। जानकारी जब हुई तो किया, हमने कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में दिया कि हमारी रिपोर्ट FIR दर्ज किया जाए, लेकिन वहाँ भी वो इतना रोहित चालू था कि हर जगह खिलाए पैसों। अब वो हमको जब मंजूरी नहीं मिली तब हमने परिवाद दाखिल किया और परिवाद में 156(3) की का आवेदन लगाया। उस आवेदन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का बार बार कहना है कि हाई कोर्ट तक कहाँ तक लोग जाएंगे, हाई कोर्ट में वर्कलोड बहुत है, 156(3) में मजिस्ट्रेट फुल पावर में है कि वो करे। लेकिन क्या है, 156(3) का मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ और उस आदेश को वो FIR नहीं कर रहे, अन्वेषण का आदेश है, जांच कर रहे हैं। जांच और अन्वेषण में अंतर है, जांच पहले होगी और अन्वेषण होगा कायमी के बाद। कोर्ट का जो आदेश है वो अन्वेषण का है। इस संबंध में हमने IG को लिख से भेंट किया, ASP ऑफिस में उनको सारी स्थिति बताया, उनका ये था कि हम देखे लेते हैं, हम देखे लेते हैं। फिर इसके बाद हमने उनको मुख्यमंत्री को फैक्स किया और SP को फैक्स किया, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जब TI से बात किया तो TI कहता है कि भाई हमको 50 दीजिए, 30 दीजिए उसको विवेचक को, हमको तो IG तक पैसा देना पड़ता। हम आश्चर्यचकित रह गए कि अब ये जब IG तक ये पैसा दे रहे हैं तो इनकी IG शिकायत सुनेगा कैसे। घूस का पैसा, दूषित पैसा तो जहाँ जाएगा वहाँ दूषित पना निर्मित करेगा, चाहे वो IG हो चाहे जो हो। आज मुख्यमंत्री ढींग हाँक रहे हैं कि भ्रष्टाचार समाप्त कहाँ है, कर्मचारी लूटे खा रहा है और अब पब्लिक त्रस्त है, कहाँ है, कोई नहीं है, सब ढींग हाँकने की बात। आगे बढ़िए। परिवाद में अब मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो अगला प्लान क्या है आपका? हाँ, मजिस्ट्रेट का आदेश है कि प्रकरण पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन करें। जी, इन्वेस्टिगेशन और जांच में अंतर है। जांच होती है ये कायमी के पहले और इन्वेस्टिगेटर होता है कायमी के बाद। इन्वेस्टिगेशन को जो हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है वो ये डिफाइन किया है कि जब्ती, बरामदगी, गिरफ्तारी अन्वेषण के कैटेगरी में आता, लेकिन कुछ नहीं। जो जांच हो रही है, TI जांच कर रहा है, वो मुलजिमों के बयान लेके, मुलजिम के बयान लेने की वो नहीं है। इनको CMO के यहाँ से कागजात जब्त करना चाहिए, नगर पंचायत से रिकॉर्ड जब्त करना चाहिए, अब वो न करके उनके बयान ले रहे हैं, जो मुलजिम है उन्हीं के बयान ले रहे हैं। तो जानबूझ कर TI जो है संरक्षण दे रहा, इससे जब संरक्षण दे रहा कोई सुन नहीं रहा
तो ये बात कि हमको ऊपर तक भेजना पड़ता है, हमको भी लगता है कि बात सत्य, कि जो पैसा ये खाते हैं बेईमानी का वो ऊपर तक जाता है, और तब हमको भी ये लग रहा है कि बात सही कह रहा। आप सब पर आरोप लगाते हैं, कभी थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हैं, कभी पटवारी पर आरोप लगाते हैं, सब पर आरोप लगाते हैं, सच क्या है झूठ क्या है ये आप जाने, लेकिन एक बड़ा बात यह है कि जो लोग कहते हैं, हाँ, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं करते तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन अफसर को बदलने का की प्रक्रिया करेगा, जैसा हाई कोर्ट के निर्देश है, हाई कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उनके आधार पर जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। हाँ, जहाँ तक प्रश्न उसका विवेचक का, तो जब तक विवेचक न बदला जाएगा तो विवेचक तो ऊपर तक देता है, खुद कहता है कि मैं ऊपर तक पहुँचाता हूँ, अब लीजिए क्या करे कोई। हम आई जी के यहाँ दो दो दरख्वास्त दिए, वो कहता है कि हमको आई जी तक देना पड़ता, अब न्याय कहाँ से मिले, पब्लिक को न्याय कहाँ से मिले। न्याय की बात अगर छोड़े, न्याय की बात लेकिन जो अब लोग जो है अदालती प्रक्रिया, मजिस्ट्रेट जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बल देगा, उनसे जवाब लेगा कि अब तक 2 महीने का समय आपको दिया गया पर्याप्त, आपने टाइम ही क्यों नहीं किया। ये सारी चीज़ें जब आएंगी इसके बाद जो परिस्थिति आएगी, यदि हमको हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अपराध का प्रतिकार करना, अपराध का प्रतिकार करना है, ठीक है, आपने जो आरोप लगाए अपराध का प्रतिकार करना है, मैंने जीवन में अपराध का प्रतिकार किया है, इसलिए भले मेरा पुत्र है पर अन्याय है तो मैं उसको नहीं छोड़ू, ठीक है मान लेते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो कहते हैं और पटवारी भी कहते हैं कि जिस मकान में कब्जे दखल की लड़ाई है वो अनिल कुमार का है और आप कह रहे हैं अनूप का है, सभी भाइयों के होने की बात क्यों नहीं करते आप? सुन लीजिए जी, मौजूदा सीएमओ जी के यहाँ हमने कलेक्टर के यहाँ दरख्वास्त लगवाया जी, अब वो दरख्वास्त सीएमओ के यहाँ जाँच में गई जी, मौजूदा सीएमओ करीब 50 पेज की फाइल जी निर्मित करके प्रतिवेदन दिया जी, कि जो तथ्यात्मक प्रतिवेदन ये दिया जी कि जो नियम और प्रक्रिया दी गई है जी उसका पालन नहीं किया गया, और एक पक्षीय ढंग से ये आदेश पारित करके इनको नुकसान पहुंचाया गया है, इनकी रिट अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ये मौजूदा सीएमओ की रिपोर्ट है। अब प्रश्न ये है कि भाई सीएमओ से होता नहीं पूछते, जो जांच करने जाता है वो मुलजिमों से पूछता, तुम अपनी सफाई बताओ, कहाँ से न्याय मिलेगा। इस पुलिस के मत्थे जो सभापुर में है उसके मत्थे कहाँ से न्याय मिलेगा? पुलिस के मत्थे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन आपके घर का मामला है, पुलिस के मत्थे हमको अब भी लग रहा, जब वो कहता है कि मुझको नीचे से ऊपर तक आईजी तक पैसा देना पड़ता, तब हम क्या विश्वास माने, क्या हम एसपी का माने, क्या आईजी का माने, हम दरख्वास्त दे रहे हैं उस पर कार्रवाई, हमारी जानकारी में कुछ नहीं हो रही, तो हम तो यही मानेंगे कि जो वो कहता है वो सत्य। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या है, क्या कहेंगे आप, आखिर सभी भाइयों का हिस्सा क्यों नहीं, एक व्यक्ति का ही क्यों? ये अनिल जो है किराए में लिए था, इसका प्लाट पृथक है, अच्छा, जो मैंने बनवाया है, लेकिन लड़के के दूषित पना के दूषित बुद्धि के कारण ये उसको तो सुरक्षित है, छोटे भाई के साथ अन्याय कर, इसलिए इस अन्याय की लड़ाई। अनिल कुमार का कहना है यदि बड़ा भाई होता, छोटा भाई न होता बड़ा होता तो किसी प्रकार मैं भी सोता, लेकिन छोटे भाई के साथ अन्याय किया इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं। अनिल कुमार का कहना है कि पिछले दिनों हुए विवाद से आप रंजिश मानते हैं, उनसे पहले से FIR है आप लोगों के ऊपर, इसलिए बार बार परिवार लगाकर डरा रहे हैं, जबकि एक परिवार पहले से ही खारिज हो चुका है और उनके पक्ष में है, क्या कहेंगे आप? मैं समझाने गया था, समझाने गया था,
तो उसने जो है ये उस समय ये रोहित नहीं था, ये थाने में था और चंदेल था, चंदेल जो है पैसा खाने में माहिर था, तो उसने एएसआई से मुकदमा कायम कर दिया। मुकदमा चल रहा, मुझको कोई डर नहीं, न मैं कोई पंचायत करता हूँ, न मैं यही कहता कि बयान बल दो क्या करो, जब हमारा रिकॉर्ड सामने आएगा तो हमारा डिफेंस अपने आप बन जाएगा, हम काहे को पंचायत करो, हम डरा नहीं रहे हैं, हम न्याय की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस शासन के की व्यवस्था को उजागर करने के लिए कि ढींग हाँकने के लिए मुख्यमंत्री ढींग हाँकेगा, उप मुख्यमंत्री ढींग हाँकेगा, सब हाँकेगा, लेकिन अब जो सच्चाई है वो दूर है, वो छू नहीं जा रही पब्लिक की, ये लड़ाई है। निश्चित तौर पे तमाम मुद्दों को लेकर के बड़े बेवाकी से आपने अपनी बात कही और आप अपनी बेवाकी के लिए ही जाने जाते हैं। आपने कहा कि अगर गलत हो रहा है तो चाहे भले बेटा हो चाहे भले नाती हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं, इन आरोपों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सच क्या है झूठ क्या है ये वो जाने, लेकिन जिस मुस्तैदी से और जिस बेवाकी से आप बात करते हैं, क्षेत्र में जाने जाते हैं आप, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। आपकी उम्र, आपका जज्बा और आपका जलवा वास्तव में काबिले तारीफ है, सलाम है आपको, और फिर दूसरी बार भी कभी मौका मिलेगा तो आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और देखते रहिए विशाल खबर। धन्यवाद।